इसे फाड़ लेते हैं, ये रहा, मतलब इसकी एक ज़िपलॉक भी दी गई है, ये है ओरिजिनल आरसी का किंग मास। ये देख कि इसका जो पाउडर है ना वो बिल्कुल जो है आप कह सकते लाइट जो है पिसा हुआ है, यहाँ छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स भी दिख रहे होंगे। मैं आईडी से ले लेता हूँ 300-400 ml पानी, क्योंकि तो मैं इसको जो है मिक्स कर लेता हूँ। ये नो डाउट हार्ड होगी कंपेयर टू प्रोटीन, पर ऐसा नहीं होगा कि यार ये मिक्स नहीं होगा बहुत। ये है ओरिजिनल किंग मास जो आपके सामने है, अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विलाउट। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, और सप्लीमेंट खरीदते टाइम काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आ गए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में आप ही की रिक्वेस्ट पर हम ओपनिंग करेंगे, फेक ओरिजिनल के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन लेंगे आरसी किंग मास की। जी हाँ दोस्तों, आरसी किंग मास बहुत पॉपुलर है, और जितनी ज्यादा ये पॉपुलरिटी गेन कर रहा है इसकी कॉपी भी मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही है। आपके भी सवाल आ रहे हैं कि सर ये आरसी किंग मास ये प्राइस में मिल रहा है, वो प्राइस में मिल रहा है। दोस्तों बचो फेक सप्लीमेंट से, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ, आपको नॉलेज हो सके, आपको पहचान हो सके फेक ओरिजिनल की। इसलिए मैं इसकी कंप्लीट ओपनिंग करूंगा, मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आरसी किंग मास की 20 LPS पैकिंग जिसकी कॉपी मार्केट में बहुत ज्यादा है। दोस्तों ये है क्या, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भाई हो सकते हैं वो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो। दोस्तों आरसी किंग मास, जैसा कि आपको पता है मास मतलब ये मास गेनर है, एक कंप्लीट मील जिसमें आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सारी चीजें मिलेंगी, जो कि आपका ना सिर्फ वेट इंक्रीज कराएंगे बल्कि मसल साइज भी गेन कराएंगे। और आरसी किंग मास पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड में शायद टॉप 3 मास गेनर्स में आता है, हाई प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलेगा। और ये बहुत पॉपुलर है इस चीज को लेकर कि ये मसल साइज भी बहुत अच्छा खासा देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वजन बढ़ा रहा है। तो आरसी किंग मास आपके पास बेस्ट चॉइस है, उसमें भी 20 LPS पैकिंग की बेस्ट चॉइस है, और बजट में भी काफी कम पड़ता है कंपेयर टू अगर 6 LPS से हम देखें। तो दोस्तों आप इसे ले सकते हैं अगर आपको वजन भी बढ़ाना है और मसल साइज भी अच्छा खासा इंक्रीज करना है, कोई भी स्किनी बॉडी वाला ले सकता है। और सप्लीमेंट फैक्ट्स पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर कंपनी बता रही है कि इसमें आपको 2 स्कूप की सर्विंग है, मतलब 125 ग्राम की एक सर्विंग में कैलोरीज है 510, टोटल फैट सिर्फ 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स है 92 ग्राम जो कि वजन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, इसमें आपको शुगर मिल रही है 11 ग्राम। तो जो लोग कहते हैं मास गेनर में सिर्फ शुगर है, तो आरसी किंग मास जो है आपको बता रहा है कि 125 ग्राम में 11 ग्राम सिर्फ शुगर आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको प्रोटीन मिल रहा है 30 ग्राम, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम भी मिल रहे हैं, तो मतलब कंप्लीट बॉडी ग्रोथ होगी, वजन भी बढ़ेगा, मसल साइज भी आएगा। दोस्तों आप इसे लीजिए, और स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक स्कूप आप इसे लें दूध में, साथ में बनाना, ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट हिसाब से, तो ये ले सकता है मेल फीमेल कोई भी हाई प्रोटीन वाला मास गेनर। दोस्तों आरसी किंग मास की जो 20 LPS पैकिंग है, अगर हम इसके फेक ओरिजिनल की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है इम्पोर्टर टैग। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आरसी के जो ऑथराइज इम्पोर्टर हैं वो है जीएमसी, अरीना भी है जीएमसी इसके इम्पोर्टर हैं, जिन्होंने टैग यहाँ लगाया हुआ है जिसके ऊपर जीएमसी वालों का स्क्रैच कोड, बार कोड, FSSL लाइसेंस नंबर, कब इसको इम्पोर्ट किया गया है, सारी चीजें, उनका 3D होलोग्राम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों जीएमसी और अरीना के अलावा कोई और टैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही दो ऑफिशियल ऑथराइज इम्पोर्टर है आरसी के, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहली चीज हो गई है। दोस्तों इसके अलावा आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी है वो है जीएसटी बिल। दोस्तों जैसे ये सप्लीमेंट मिला का जीएसटी बिल आप देख रहे हैं, जिस बिल के ऊपर सप्लीमेंट मिला का FSSL लाइसेंस नंबर, जीएसटी नंबर, स्टैम्प सिग्नेचर, आपने कितना टैक्स पे किया है, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है। दोस्तों बिना जीएसटी बिल के ओरिजिनल सप्लीमेंट नहीं मिल सकते, और सप्लीमेंट विला दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए, वो जीएमसी के ऑथराइज जो है सप्लीमेंट विला डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट विला बेस्ट ऑप्शन है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए, और जीएसटी बिल आपको लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो है बिल्कुल भी जीएसटी 18% जो लगती है उसका लालच नहीं करेंगे और जीएसटी बिल के साथ सप्लीमेंट लेंगे। तो और दोस्तों इसके अलावा आपको इसकी पैकिंग की क्वालिटी, पैकिंग कैसी है, कहीं से कोई सील हटी हुई तो नहीं है, कटी हुई तो नहीं है, ये सारी चीजें नोटिस करनी है। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, अगर हम देखें तो एक्सपायरी डेट है दिसंबर 2021, मतलब लंबी एक्सपायरी है। यही फायदा है सप्लीमेंट विला से सप्लीमेंट लेने का, ना सिर्फ ओरिजिनल बल्कि लंबी एक्सपायरी, मतलब फ्रेश लॉट आपको मिलेगा जो भी इंपोर्टर के पास अवेलेबल होगा। और जीएमसी का जो होलोग्राम है ये भी मेंशन करता है, क्योंकि दोस्तों जीएमसी का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो सप्लीमेंट विला के पास सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी जो है ना जीएमसी ने स्पेशल मेंशन किया गया है। अगर आप जो है स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पर मेंशन है कि अगर 3D होलोग्राम आपको ना मिले
तो वो सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है, उसकी आपको कंप्लेंट करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट के ऊपर साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये चीजें आप जब नोटिस करेंगे तो आप एक फेक सप्लीमेंट से बचेंगे। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो एमआरपी दिया हुआ है जीएमसी वालों ने वो है इसका 13,699 पर सप्लीमेंट मिला, पर सेलिंग प्राइस है इसका सिर्फ 10,100 रुपए विद डिस्काउंट 100% ओरिजिनल विद जीएसटी बिल करंट इमोडेक फ्रेश लॉट के साथ और कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है और विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस। यार तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बल्किंग के लिए आरसी किंग मास और खरीदने के लिए सप्लीमेंट मिला, हमेशा ओरिजिनल मिलेंगे आपको। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास पूरी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आरसी किंग मास की जो पैकिंग है दोस्तों वो आप यहां देख रहे हैं कि यहां जो है आरसी के बाद में जो है आप ये देख रहे हैं कि एक आपको यहां क्राउन देखो दोस्तों मिलेगा आपको, और ये क्राउन होना बहुत जरूरी है, चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो इसकी पैकिंग है उस पैकिंग के जो यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर ये लिखा हुआ 146 कूप, दोस्तों 146 कूप निकलते हैं 20 LL, इसमें आप काफी बार पिक्चर भेजते हैं उसमें जो लिखा होता है कि 150 कूप 155 कूप, नहीं 146 कूप निकलते हैं। और एक क्राउन जो है आरसी के बाद में क्राउन होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट्स है कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने जो है फेक माफिया से जो एक्सपीरियंस लिया है, जो फेक सप्लीमेंट्स की पिक्चर्स आप भेजते हैं, जो भाई हमारे फेक माफिया के चक्कर में फंस जाते हैं, उनके पैसे भी जाते हैं और फेक सप्लीमेंट भी मिलता है, तो वो जो पिक्चर भेजते हैं उससे मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है। तो ये क्राउन होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बड़ा बड़े में जो है ये क्राउन है। तो पैकिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी फाइन क्वालिटी की पैकिंग है ये। दोस्तों अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और अंदर भी दिखाऊंगा आपको खोल के क्या निकलेगा इसके अंदर। तो यहाँ से देखिए ये सील काटने के लिए मतलब फाड़ने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं फाड़ देता हूँ इसको। दोस्तों फेक सप्लीमेंट से बचना है आपको, सप्लीमेंट मिला का गोल है कि आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट मिल सके। तो यहां से हम इसे फाड़ लेते हैं, ये फाड़ लिया है ये रहा। तो दोस्तों यहां से फाड़ लिया है और जो है आप देख रहे हैं ये अंदर इसके एक जिप लॉक भी दी गई है और पैकिंग काफी ज्यादा हैवी है, तो ये जिप लॉक काफी बार खुल भी जाती है। और मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि जब आप इसे ओपन कर लेना अगर आपके पास कोई बॉक्स वगैरह हो तो उसमें आप इसे रखें, क्योंकि ये जिप लॉक है ये इतना टाइट जो है नहीं लग पाती है। और ये क्योंकि अब आपका ऐसा तो है नहीं कि यार ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, ये आपका चलेगा यार 1.5-2 महीने, तो 1.5-2 महीने में इसमें सीलन जाने के चांसेस रहेंगे, तो आपको जो है ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों ये है ओरिजिनल आरसी का किंग मास, ये देख रहे हैं आप ओरिजिनल आरसी किंग मास ये है बिल्कुल। और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो पाउडर है ना वो बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि बारीक मतलब बिल्कुल लाइट जो है पिसा हुआ है। यहां देखिए आप, अब इसमें जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइट पिसा हुआ है, मतलब जैसे लबराडा वगैरह का आता है थोड़ा दानेदार सूजी टाइप में, ऐसा नहीं है, थोड़े हल्के हल्के दानेदार है बट काफी लाइट पिसा हुआ है, काफी बारीक है ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स भी दिख रहे होंगे, स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है आपके, ये व्हाइट पार्टिकल्स भी होने चाहिए। तो ये है आरसी किंग मास, बिल्कुल दानेदार है बट बहुत कम दाने हैं और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी स्कूप भी देख लेते हैं, इसकी स्कूप जो है दोस्तों होती है हमेशा ट्रांसपेरेंट, ये स्कूप निकलती है इसके अंदर आप देख रहे हैं ये स्कूप निकलेगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि जो फेक सप्लीमेंट होगा उसमें स्कूप भी अलग होती है। तो ये है स्कूप इसकी ओरिजिनल। तो अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे, देखेंगे कैसी है इसकी मिक्सिबिलिटी। दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ मिक्सिबिलिटी पर्पस से इसकी एक स्कूप मिक्स करूंगा और मैं आईडी से ले लेता हूं 300-400 ml पानी, क्योंकि गेनर है तो मिक्सिबिलिटी हार्ड होगी इसकी कंपेयर टू प्रोटीन। तो एक स्कूप ये रहा गेनर, ये रहा, तो मैं इसको जो है मिक्स कर लेता हूं। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं मिक्सिबिलिटी नो डाउट हार्ड होगी कंपेयर टू प्रोटीन, पर ऐसा नहीं होगा कि यार ये मिक्स नहीं होगा, बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। वैसे शेकर में मैं इसे मिक्स कर सकता था बट आपको दिखाने के लिए, यार आपके लिए जो है बहुत जरूरी है ये देखना। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रहा हूं और चॉकलेट की काफी अच्छी इसमें से जो है खुशबू आ रही है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिक्स किया है उसमें मैं, ऑलमोस्ट जो है 80-90% मिक्स हो गया है। तो ये है ओरिजिनल किंग मास जो आपके सामने है, अब इसे टेस्ट करता हूं, थोड़ा सा और मिक्स करना चाहिए था मुझे, अभी एक स्कूप दी दो, मुझे लगता है कि यार टेस्ट इसका इतना खास नहीं है एक स्कूप में, बट आपको ये दूध भी लेना है। दोस्तों
बिल्कुल एवरेज टेस्ट है, मतलब ज्यादा मीठा नहीं है यार। आपको पता है 125 ग्राम में 11 ग्राम शुगर है, क्या मिठास होगी। अगर आपको कम मीठे वाला मांस गिरर चाहिए ना, तो आप लीजिए आरसी किंग मांस, 300-400 ml पानी में इसको जो है मिक्स किया है। बिल्कुल मिठास जो है मॉडरेट है, ना ज्यादा है ना कम है, बिल्कुल माइल्ड जो है, मैं कहूंगा मॉडरेट क्वांटिटी में जो है मिठास आ रही है इसमें, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। बाकी दूध वगैरह मिलेंगे आप तो आपको थोड़ा और अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेवरिंग चॉकलेट की ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल बहुत हाई है, ठीक है एवरेज है। और अगर मैं मार्किंग की बात करूँ तो मैं दूंगा इसे 80 out of 100, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब मीडियम से थोड़ा ज्यादा मीठा वाला जो फ्लेवर है वो अच्छा लगता है चॉकलेट में। तो दोस्तों ये जो है बेस्ट है, कम मीठा है, बहुत अच्छा है और गेनिंग के लिए भी बेस्ट है। तो आप अब समझ गए हैं ओरिजिनल आरसी किंग मास कैसे पहचानना है आपको, और ये तो मैंने बताई दिया कि खरीदना कहां से है। सप्लीमेंट विल आर दी बेस्ट ऑप्शन हमेशा ओरिजिनल विद जीएसटी बिल, करंट डिपोर्ट फ्रेश ऑयल के साथ। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, ये रहा आरसी किंग मास, ये रहा, ये देख रहे हैं आप, इसमें हल्के हल्के से बहुत छोटे छोटे से व्हाइट पार्टिकल्स होंगे जो कि मैंने जूम करके आपको दिखाए हैं। और अब दोस्तों देखो इसको जो है ना यार जिप, ये देखिए जिप लॉक लगाना इसको काफी मुश्किल है यार, ये लॉक जो है ना कंपनी को थोड़ा हैवी देना चाहिए था, जैसे म्यूटेंट वगैरह में लबराड़ा वगैरह में होता है, थोड़ा हैवी होता तो और अच्छा रहता इसका। बाकी फिर भी मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप जो है ना इसको मतलब किसी कंटेनर में कर लें, कंटेनर भी काफी बड़ा चाहिएगा क्योंकि यार 20 LPS की पैकिंग है, वो जो आटे वाला ड्राम होता है ना उसमें रखना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पर लेना पड़ेगा नया। तो दोस्तों इस हिसाब से रखें, तो अभी जिप तो देखो इसकी लग गई है पर फिर भी देखो ना बहुत इजीली खुल जाएगी, तो इसलिए थोड़ा आप जो है सावधानी से दें। तो आपको पता लग गया ओरिजिनल आपके लिए स्पेशल ओपनिंग वीडियो बनाई है दोस्तों, मैं आप ही को ध्यान में रखकर, आपकी रिक्वेस्ट ध्यान में रखकर, आप फेक माप कैसे बच सकें इसलिए सारी वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर आपको आरसी किंग मास चाहिए ओरिजिनल तो सप्लीमेंट मिला आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। ऑर्डर कैसे करना है कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ और पूछना है कमेंट कीजिए। फेक माफिया से बचिए, ओरिजिनल सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट मिला को याद रखिए, आरसी किंग मास पड़ेगा आपको 10,100% ओरिजिनल वीजीएसटी बिल, करंट डिपोर्ट फ्रेश आउट के साथ। दोस्तों आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन आता है यार और मेहनत करने का, आप थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।